अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फोर टीवी पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ मास फारूकी और पेशे खिदमत है खबरनामा। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में यौम आशूरा अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। बीबी के आलम जुलूस में नौहाकानी और मातम और मसाजिद में जलसा शुहदाए करबला का इनेकाद। रियासत में बारिश और सैलाब से 16 अमवात। बाज़ाबादकारी इकदाम जारी। गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर। सैलाब के बाद सफाई काम को एक चैलेंज के तौर पर करें। वबाई अमराज की रोकथाम के लिए इकदाम जरूरी। केटीआर की अहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस। हुकूमत की लापरवाही से इंसानी जिंदगियां चली गईं। प्रगति भवन निचली सियासत का अड्डा। हलाक होने वालों को 25 लाख रुपए, मुतासरीन को 15,000 रुपए मुआवजा दिया जाए। रेवंत रेड्डी का मुतालबा। जहांगीरपीरा दरगाह रोड पर सड़क हादसा। फलकनुमा का साकिन शख्स जां बहक। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहायश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाके, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुली एयर कंडीशन में। दुल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश। क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ। वसी और सिक्योर पार्किंग लेडीज और जेंट्स के लिए। दो दो लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद में यौम आशूरा अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया है। तारीखी बीबी के आलम का जुलूस हफ्ते की दोपहर अलावा बीबी से बरामद हुआ। जुलूस की रवानगी से कबल मजलिस बर्पा हुई। अलावे में खूनी मातम किया गया। जुलूस अलावा बीबी से बरामद होकर बराह शेख फैज की कमान रवाना हुआ है। जुलूस एतबार चौक, मालवाला पैलेस, चार मीनार, गुलजार हाउस, पंजाशाह, कदम रसूल, एतबार चौक, मंडी मीरालम, पुरानी हवेली दारुशफा, अलावा सरतोख, आजाकाना जहरा, काली खबर से होता हुआ मस्जिद इलाही चादर घाट पहुँचा, जहाँ आलम को ठंडा किया गया। जुलूस के दौरान तकरीबन 25 मातमी अंजुमनों का मातम हुआ। जुलूस की गुजरगाहों पर पुलिस की तरफ से वसी तर इंतजाम किए गए थे। कई शख्सियतों की तरफ से बीबी के आलम पर ढट्टी का नजराना भी चढ़ाया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की निगरानी में असरा हॉस्पिटल का तिब्बी अमला भी जुलूस के साथ मौजूद था। यौम आशूरा के मौके पर शहर की मसाजिद में जलसा शुहदाए करबला और जलसा याद हुसैन रदी अल्लाह तआला अन का इनेकाद भी अमल में लाया गया। Yeah.
देख रहे मस्जिद हज़रत चींटी शाह कट्टलगुड़े में सालाना जलसा शुहदाए करबला का इनेकाद रुकन असम्बली सैद अहमद पाशा कादरी की निगरानी में अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली सैद अहमद पाशा कादरी ने वाक़ात करबला बयान किए। हक की सरबलंदी के लिए हुई शहादतों को खराज पेश किया गया। रुकन असम्बली ने नौजवानों को वालदेन की इताअत की तलकीन की। सैद कादिर मुहीद्दीन कादरी जुनेद पाशा ने भी खिताब किया। इस मौके पर इज्तमाई दुआए आशूरा पढ़ी गई। سبحان الله من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجا ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفي والوتر وعدد كلماته كلها أسألك سلامات برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين। यौम आशूरा के मौके पर हफ्ते को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पकवान का अहतमाम किया गया। जुनूबी शहर के अलावा सेंट्रल वेस्ट और नॉर्थ जोन के इलाकों में भी मकामी आवाम की तरफ से पकवान किया गया। बाज़ मकामात पर मशरूबात का भी इंतज़ाम किया गया था। बीबी के आलम जुलूस की गुजरगाहों पर भी पकवान मशरूबात और पानी के इंतजाम देखे गए। शाम में बाज़ मकामात पर इफ्तार का भी अहतमाम किया गया था।
सिटी कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने चारमीनार के पास बीबी के आलम पर ढट्टी चढ़ाई। इस मौके पर जोन के पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। कमिश्नर बलदिया रोनाल्ड रोज ने दारुशफा के पास ढट्टी का नजराना पेश किया। पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद की रास निगरानी में जुलूस के इंतजाम में पुलिस को मुतहरिक देखा गया। यौम आशूरा के मौके पर पुलिस की तरफ से वसी इतार बंदोबस्त किए गए थे। सिटी कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद जुनूबी शहर में ही कैंप किए हुए थे। बीबी के आलम जुलूस की गुजरगाहों के पास ट्रैफिक तहदीदात आयद कर दी गई थी। जुलूस की रवानगी के बाद ट्रैफिक तहदीदात को ख़त्म कर दिया गया। कई मकामात पर पुलिस को चौकस देखा गया। रियासत तेलंगाना में जारी बारिश से जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का शदीद नुकसान हुआ है, वहीं हालिया बारिश और सैलाब के दौरान पेश आए वाक़यात में 16 अमवात की इत्तलात भी हैं। ज़राए के मुताबिक हफ्ते की दोपहर तक हलाकतों की तादाद 16 तक पहुंच गई थी। रियासत में बारिश थम चुकी है, लेकिन सैलाब से मुतासर इलाकों वरंगल, मुलुगु, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली से पानी की निकासी नहीं हो पाई है। हैदराबाद में आइंदा दो दिनों में दर्जे हरारत में इजाफा हो सकता है। शाम या रात के अवकात में हल्की बारिश की पेश कयासी भी की गई है। बारिश से मुतासर इलाकों में महसूर कई अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया है। तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने के बायस इंतबाह जारी कर दिया गया है। गोदावरी से लगे हुए इलाकों में इंतजामिया को चौकस कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर को तैयार रखा गया है। इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। भद्राचलम और उसके आसपास के इलाकों में गैर मामूली चौकसी बरती जा रही है। वरंगल में बारिश से मुतासर इलाकों से आवाम की मुंतकली के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हफ्ते को मेयर गुंडू सुधा रानी ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुकेना पाठक और म्यूनिसिपल कमिश्नर शेख रिजवान बादशाह के हमरा भद्राकाली तालाब का मुआयना किया। तालाब से मुतसिल नशेबी इलाकों के आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए जारी इकदाम का भी जायजा लिया गया। महबूब नगर के जोराला प्रोजेक्ट से पानी का अखराज जारी है। प्रोजेक्ट के 31 दरवाजे खोल दिए गए हैं। इनफ्लो 1,31,700 क्यूजिक्स है और आउटफ्लो 1,24,294 क्यूजिक बताया गया है। जोराला प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आप 1,045 फीट है, जबकि मौजूदा सतह आप 104.12 फीट बताई गई है। शदीद बारिश की वजह से रियासत के बेशतर अजला में आबी प्रोजेक्ट्स के अलावा तालाब कुंटे लबरेज हो चुके हैं। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। वजीर बलदी नज़्म व नस्क़ के तारका रामाराव ने ओहदेदारों से कहा कि मौजूदा वक्त में राहतकारी और सफाई के काम को चैलेंज के तौर पर किया जा रहा है। बलदी नज़्म व नस्क़ के आला ओहदेदारों, एडिशनल कलेक्टर, म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए ज़रूरी हिदायत जारी की। KTR ने कहा कि ख़ास तौर पर सफाई के काम, साफ पीने के पानी, जमा पानी से फैलने वाले अमराज से बचने के लिए किए जाने वाले इकदाम पर तवज्जो दें। इससे पहले राहतकारी के काम करें। हुकूमत की तरफ से राहतकारी कामों के लिए दरकार तआवुन फराहम करें। उन्होंने कहा कि राहतकारी कामों के लिए दीगर महकमे जात के साथ तालमेल के साथ काम करें।
उन्होंने कहा कि अहदेदार और दीगर अमले की रुख्सतों को मनसूख कर दिया गया है। शहरों में मौजूद झीलें मुकम्मल तौर पर लबरेज हो गई हैं, इन पर हर वक्त नज़र रखी जाए। शहरी इलाकों में ख़ास तौर पर अहम शाहराहों पर जमा कीचड़ को फौरन निकाला जाए और आर्जी मरम्मत की जाए। हर शहर में खसूसी मुहिम चलाई जाएगी। बरसात के बाद वबाई अमराज फैलने का खदशा रहता है, इसके लिए महकमे सेहत मुतहरिक रहे। बस्ती दवाखाने और देहातों में मेडिकल कैंप कायम किए जाएं। KTR ने कहा कि खस्ता हाल मकानात को फौरन मुनहदिम करें, महकमे बरकी के तआवुन से बरकी सरबराही का काम अंजाम दें। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में शदीद बारिश से कई जानें चली गई हैं और 10 लाख एकड़ अराजी को नुकसान पहुंचा है। रेवंत रेड्डी ने उपल, LB नगर और दीगर इलाकों का दौरा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत की लापरवाही की वजह से ये नुकसान हुए हैं। महकमे मौसमियात की इत्तलात के बावजूद हुकूमत ने लापरवाही से काम किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि BRS कायदीन के कब्जों की वजह से ही कई इलाके जेर आब आ गए हैं। निज़ाम के ज़माने के 90% झीलों पर कब्जे कर लिए गए हैं। प्रगति भवन निचली सियासत का हिस्सा बन चुका है। KTR पुरतश जिंदगी पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इंसानी जिंदगियों पर नहीं। सैलाब ज़दा इलाकों में हुकूमत फौरन इकदाम करे और मुतासर अफराद को फौरन 15,000 रुपये मुआवजा दें। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सैलाब से हलाक होने वाले अफराद को 25 लाख रुपये मुआवजा दें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में अब तक 3,000 करोड़ रुपये के नुकसान हुए हैं। मरकजी हुकूमत फौरन 1,000 करोड़ रुपये की माली इमदाद जारी करें। रियासत में इतनी तबाही हो रही है, मरकजी वजीर किशन रेड्डी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। किशन रेड्डी को चाहिए कि रियासत के हालात से वजीर आजम को वाकिफ करवाएं। उन्होंने कहा कि वो भी रियासत में हुए नुकसान पर मबनी एक रिपोर्ट अमित शाह को पेश करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन और कारकुनों से अपील की है कि वो राहतकारी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वजीर आला के चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र में BRS पार्टी को तेजी से तौसीए देने के काम में मसरूफ हैं। जुमे की शाम वजीर आला ने वंशीधर राव को महाराष्ट्र BRS पार्टी का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया। ये कहना बेजाना होगा कि महाराष्ट्र यूनिट इंचार्ज वंशीधर राव कोई और नहीं है बल्कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव के बड़े भाई रंगा राव के बेटे हैं। तेलंगाना अकलियती क्रिश्चियन कॉरपोरेशन ने 1 लाख रुपए की माली इमदाद के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। जारी करदा अहकाम के मुताबिक 31 जुलाई से 14 अगस्त तक ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। देही इलाकों में हद आमदनी 1,50,000 होने चाहिए और शहरी इलाकों में 2 लाख होनी चाहिए। 21 साल तक 55 साल तक उम्र वाले हजरात अहल होंगे। मजीद तफसीलात के लिए ज़िले अकलियती बहबूद के अहदेदार से रब्त पैदा करें या फिर MD क्रिश्चियन कॉरपोरेशन के दफ्तर से इस नंबर 0402339167 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। कौमी BJP ने आखिरकार बी संजय को खुश कर दिया है। तेलंगाना के सदर का अहदा लेने के बाद बी संजय को कौमी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया है। बी संजय को हटाकर किशन रेड्डी को सदर बनाने के बाद पार्टी में दाखिली इंतजार चल रहा था। कई कायदीन बी संजय को हटाए जाने के खिलाफ थे। इसको देखते हुए 29 तारीख को कौमी BJP की जानिब से सरकारी तौर पर कौमी आमला कमेटी का ऐलान किया गया, जिसमें बी संजय को जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दे दिया गया। साबिक रुकने पार्लियामेंट बी नरसैया गौड़ ने कहा कि रियासत में अब तक हुई बारिश में 33 अफराद हलाक हुए हैं, काफ़ी इमलाक को नुकसान पहुंचा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कौमी शाहराओं को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, इतना सब कुछ हो रहा है, KCR महाराष्ट्र में सियासत करने में मसरूफ़ हैं। तेलंगाना में वजीर आला की हरकत में आते ही वज़रा भी हरकत में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि हलाक होने वाले अफराद के ख़ानदान को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी को सियासी मुस्तकबिल चाहिए हो तो वो BJP में शामिल हो जाए। उपल कांग्रेस पार्टी कायदीन के दाखिली इख्तलाफ सड़क पर आ गए हैं। हफ्ते को प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी के दौरे के मौके पर कॉरपोरेटर रजिता परमेश्वर रेड्डी ने अर्गडी
लक्ष्मा रेड्डी के पोस्ट को फाड़ डाला। दोनों लीडर्स के हामियों के दरमियान नारेबाजी का भी तबादला अमल में आया। एक दूसरे पर हमले भी किए गए। पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए दोनों ग्रुपों को मुंतशिर कर दिया। रियासत में बारिश के दौरान मुख्तलिफ महकमे जात की तरफ से आवाम के लिए 24 घंटे खिदमात अंजाम दी गई हैं। सूर्यापेट के एक बरकी मुलाजिम संतोष का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह पानी में तैर कर बरकी तार की मरम्मत के लिए जाते हुए देखा गया है। बरकी हुक्काम और मकामी आवाम ने संतोष के इस इकदाम की बेहद सताइश की है। नामपल्ली दवाखाने के रूबरू वाक़ एक मकान की दीवार मुनहदिम हो गई। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों की शदीद बारिश की वजह से दीवार मुनहदिम हो गई। नुमाइंदा रुकन बलदिया जफर खान ने मकाम वाक़ा पहुँच कर मुआयना किया। उन्होंने बताया कि इस वाक़े की रिपोर्ट तहसीलदार और GHMC के मुतल्लिका अहदेदारों को दे दी गई। फलकनुमा के रहने वाले शेख असलम जहांगीर पीरा दरगाह की सड़क पर पेश आए सड़क हादसे में जां बहक हो गए। वो इतवार के दिन अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि उन्होंने एक ठहरी हुई लारी को टक्कर दे दी और मकामी हादसे पर ही उनकी मौत वाक़ हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मकामी वाक़ा पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और एक केस दर्ज के तहकीकात जारी है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहायश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाके, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुली एयर कंडीशन में, दुल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेंड मैनेजमेंट एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए दो दो लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। शहर में यौमे आशूरा अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। बीबी के आलम जुलूस में नौहा खानी और मातम और मसाजिद में जलसा शुहदाए करबला का इनेकाद। रियासत में बारिश और सैलाब से 16 अमवात। बाजाबाद कारी इकदाम जारी। गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर। सैलाब के बाद सफाई काम को एक चैलेंज के तौर पर करें। वबाई अमराज की रोकथाम के लिए इकदाम जरूरी। KTR की अहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस। हुकूमत की लापरवाही से इंसानी जिंदगियां चली गईं। प्रगति भवन निचली सियासत का अड्डा। हलाक होने वालों को 25 लाख रुपए, मुतासरीन को 15,000 रुपए मुआवजा दिया जाए। रेवंत रेड्डी का मुतालबा।
जहांगीर पीरा दरगाह रोड पर सड़क हादसा, फलकनुमा का साकिन शख्स जां बाग। नाज़रीन खबरनामा यहाँ इख्तिताम पज़ीर हुआ। अपने मेज़बान मासफा रुखी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।